हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 2 और 3 दिसंबर को पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, 10 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। इडियम्स और फ्रेजेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनको हम देखेंगे। और ये सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, SSC एग्ज़ाम के लिए, SBI क्लर्क एग्ज़ाम के लिए जो कि आने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इंस्ट्रक्शंस मैंने इसमें नहीं दिए हैं जो एग्ज़ाम में लिखे रहते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। और कुछ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से सुने। देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। देखिए, इसमें जो बोल्ड पार्ट है, या तो बोल्ड में अंडरलाइन पार्ट मिलेगा, इसका आपको मीनिंग, इडियोमेटिक मीनिंग इसका आपको बताना है। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस, मतलब इस काम को करने के लिए कोई कट एंड ड्राइड मेथड नहीं है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रेज का, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रेज का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। और इसमें आपका जो ऑप्शन है वो 5 ऑप्शन है, सिंपल, रेडीमेड, अंडरस्टैंडेबल, इनोवेटिव और ऑनेस्ट। देखिए, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो, या कोई स्पेसिफिक रूल हो, या कि प्रिसाइज रूल हो, या पहले से जिसके बारे में पता हो कि ये मेथड है और इस मेथड की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कट एंड ड्राइड मतलब उसको काट दिया गया है और सुखा दिया गया है, मतलब पहले से ही वो स्पेसिफिक है, या पहले से ही हार्ड एंड फास्ट है, या पहले से ही अनएम्बिगुअस है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रेडीमेड, यानी पहले से ही बना हुआ, पहले से ही कट एंड ड्राइड। ठीक है, तो सेकंड इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, सिंपल इसका आंसर नहीं होगा। अंडरस्टैंडेबल, इनोवेटिव का मतलब होता है जिसमें जिसको जो एकदम नया हो और जो दूसरों से हटके हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, उसको हम इनोवेटिव बोलेंगे। तो कट एंड ड्राइड का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं रेडीमेड होगा, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि बैंकिंग एग्जाम में जो ऑप्शन रहते हैं वो नॉर्मली चेंज रहते हैं सभी सभी एग्ज़ाम्स में। जैसे यहाँ पर रेडीमेड दिया है, तो दूसरे किसी एग्ज़ाम में इसकी जगह हार्ड एंड फास्ट आ सकता है, ठीक है, अनइक्यूवोकल आ सकता है, प्रिसाइज या स्पेसिफिक आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो सारे मीनिंग दिए हैं इसके, तो ये आप देख सकते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है एकदम से क्लियर, ब्लैक एंड वाइट का नॉर्मली मतलब होता है लिखा हुआ, जो रिटन फॉर्म में होता है उसको हम ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनेट या निश्चित, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हार्ड एंड फास्ट। तो यहाँ पर एक ये हार्ड एंड फास्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब रिटेन होता है, ये SSC में भी कई बार पूछा गया है। और अनइक्विवोकल का मतलब है अनएम्बिगुअस, जिस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, जो एकदम से क्लियर है। और सेटल्ड का मतलब है कि प्री डिसाइडेड है, पहले से बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा कट एंड राइट का, वो होगा रेडीमेड। ये इसमें आपका सही आंसर यहां पर होगा, देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, या IBPS क्लर्क के क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द परेड एंड हैड टू बी हेल्प्ड टू ए क्वाइट प्लेस। देखिए, इसीलिए सारे टीचर्स कहते हैं कि इंग्लिश को समझने के लिए इंग्लिश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर बेसिस पर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर की रीडिंग जैसे सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो सेंस आप बहुत जल्दी से किसी सेंटेंस का निकाल लेते हैं, ये एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आया है कि यहाँ पर लिखा हैड टू बी हेल्प्ड, मतलब ब्लैकआउट का मतलब कुछ ऐसा निकल रहा है कि उसकी हमें हेल्प करनी पड़ी, और हेल्प करने के लिए उसको उसको हमको एक शांत जगह पर ले जाना पड़ा, क्वाइट प्लेस पर ले जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग यदि आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लॉस्ट टेम्पर, लॉस्ट टेम्पर का मतलब उसने अपना आपा खो दिया, बहुत गुस्से में आ गया। तो कोई यदि गुस्से में आ जाता है तो उसको हम शांत प्लेस पर क्यों ले जाएंगे, ठीक है, वहीं पर हम उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए लॉस्ट टेम्पर इसमें नहीं होगा। TEMPER टेम्पर मतलब माने होता है गुस्सा, और TAMPER टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, फिजिकल सेंस में, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो उसको हम टेम्पर बोलते हैं, जैसे बॉल टेम्परिंग आपने क्रिकेट में सुना होगा। ठीक है, लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, कोई आदमी यदि परेड में है तो वो अपने ऊपर
अपने ऊपर से जो आपा खोना है वो क्यों खोएगा, कोई रीज़न ही नहीं है उसका। जब वो परेड में चल रहा है तो ना तो उसको गुस्सा आएगी ना ही वो कंट्रोल खोएगा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। लॉस्ट बैलेंस, अब देखिए लॉस्ट बैलेंस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि परेड में नॉर्मली बैलेंस को नहीं खोया जाता। अपना संतुलन आप तब खोते हैं जब आप किसी ऊंची घाटी पर चल रहे हैं या किसी किसी दीवार पर आप चल रहे हैं, तो उस समय आप ये लॉस्ट बैलेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और फॉल डाउन वर्ड आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी ऊंची जगह पर चल रहे हैं, वहाँ पर आपका पैर सरक गया या स्लिप हो गया या गिर गया आप, तो वहाँ पर आप नॉर्मली फॉल डाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। परेड में नॉर्मली फॉल डाउन नहीं होता। तो इसलिए देखिए सारे ऑप्शन कट गए और इसमें ब्लैकआउट का मतलब होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या कॉन्शसनेस को खो देना, बेहोश हो जाना, ठीक है। तो कोई आदमी जब बेहोश हो जाएगा तभी हम उसकी हेल्प करेंगे और उसको एक क्वाइट प्लेस में ले जाएंगे ताकि उसको थोड़ा सा शांति मिले। तो आपको वर्ड का मीनिंग भी समझना है और आप सेंटेंस का यदि मीनिंग समझते हैं तो यदि आपको इडियम का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप आसानी से इनका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉस्ट कॉन्शसनेस। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये डिटेल में, अंडर गो अ सडन एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ ब्लैकआउट का कि सडन एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। देखिए ये वर्ड जो आया है ब्लैकआउट, इसका मतलब ये है कि जब आप ड्राइविंग करते हैं, सपोज आप बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और सामने से कोई बाइक या कार आ रही है जिसकी लाइट जल रही है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उस सिचुएशन को भी हम ब्लैकआउट बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी सडन और टेम्परेरी होता है, कॉन्शसनेस भी सडन और टेम्परेरी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लैकआउट वर्ड का यूज़ किया है। अब देखिए कोई दूसरा एग्जाम होता है तो वहाँ पर ब्लैकआउट के लिए ये वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे फेंट है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, फेंट ये वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जाम में। लूज कॉन्शसनेस है, पास आउट ये भी एक अच्छा वर्ड है, पास आउट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना या गिर जाना, इसको हम बिल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कोलैप्स, या ब्रेक डाउन भी हम इसको बोलते हैं कोलैप्स। और कील ओवर, कील ओवर का मतलब भी कोलैप्स होता है। तो ये सारे वर्ड मैंने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, ये बैंकिंग एग्जाम में, क्लर्क या पीयू एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना, पास आउट बेहोश हो जाना, कोलैप्स का मतलब ढह जाना या गिर जाना, और कील ओवर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं इसमें। तो यहाँ पर ब्लैकआउट का जो आंसर होगा वो होगा आपका लॉस्ट कॉन्शसनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस फॉर ए मूवमेंट वाइल आई मेक ए फोन कॉल। जब तक मैं एक फोन कॉल कर रहा हूँ तब तक आप होल्ड योर हॉर्सेस करिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बी पेशेंट, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए, या स्टे आउट। स्टे आउट एक्चुअली पूरी तरीके से गलत है क्योंकि स्टे आउट का मतलब होता है किसी सिचुएशन से बाहर होना, तो यहाँ पर इसका सेंस नहीं बनेगा। बी क्वाइट मतलब शांत रहें, इसका तो सेंस बन रहा है। तो बी क्वाइट और मेंटेन साइलेंस, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसलिए दो मिलते जुलते ऑप्शन नॉर्मली गलत होते हैं, ठीक है। ये मीनिंग और ये मीनिंग सेम है तो इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पर बी पेशेंट नहीं होता। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है सपोज आप घोड़े पर बैठे हैं या आप तांगा चला रहे हैं तो उसको आपको कस के रखना है, घोड़े की जो लगाम होती है उसको कस के रखना है आपको, उसको छोड़ना नहीं है और आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है। जैसे जैसे ट्रैफिक जाम में सपोज आप फंस जाते हैं तो आपको यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब वेट करना है आपको जब तक कि ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो बी पेशेंट, थोड़ा सा क्लोज या ट्रिकी लग रहा है यहाँ पर, लेकिन सही जो आंसर होगा वो होगा इसका वेट। वेट या मूवमेंट या होल्ड ऑन भी इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैंने और कंटेंट दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ओल्ड फैशनड है ये, ओल्ड फैशनड है और इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल यूसेज में इसका यूज़ होता है। यूज टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसिडर केयरफुली देयर डिसीजन और ओपिनियन अबाउट समथिंग। जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस बिल, लेट्स थिंक अबाउट दिस फॉर ए मूवमेंट, ठीक है। तो वेट फॉर ए मूवमेंट के लिए हम होल्ड योर हॉर्सेस वर्ड का यूज करते हैं। होल्ड 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 अ हॉर्स भी बोलते हैं इसको। देखिए होल्ड योर हॉर्सेस समटाइम्स सेड एज होल्ड द हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस को हम होल्ड द हॉर्सेस भी बोलते हैं, इज ए कॉमन इडियम टू मीन होल्ड ऑन और टू वेट। जैसे हम फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और किसी को वेट करने के लिए हम बोलते हैं, तो सिचुएशन में भी हम होल्ड ऑन बोलते हैं, होल्ड ऑन और वेट।
द फ्रेज इज हिस्टोरिकली रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग और ड्राइविंग ए हॉर्स ड्रॉन व्हीकल. ठीक है, तो वहीं से ये फ्रेज आया है, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. तो होल्ड योर हॉर्सेस का यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स मेक हिम अ कट अबव द रेस्ट. अ कट अबव द रेस्ट का क्या मतलब है? देखिए, किसी व्यक्ति के पास यदि स्किल्स हैं, बैटिंग स्किल्स हो या पेंटिंग स्किल हो या टीचिंग स्किल हो या राइटिंग स्किल हो, तो वो जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कैसा बन जाएगा? वो डेफिनेटली सीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, सपोज एक ही एज के हैं, दो व्यक्ति 17-17 साल के हैं और एक में स्किल्स ज़्यादा हैं, तो वो उसका सीनियर नहीं होगा, लेकिन उसमें स्किल्स ज़्यादा होंगी. ठीक है, तो इसलिए सीनियर यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होगा और टॉलर नहीं होगा. यदि किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा स्किल्स हैं, तो वो उस व्यक्ति से टॉलर नहीं होगा. तो इसलिए ये भी सेंसलेस है. और स्किल्स की वजह से कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव नॉर्मली नहीं होता, एलिगेंट जैसे ये वर्ड लिखा है यहाँ पर. ठीक है, जैसे स्किल्स बीबीएस लक्ष्मण में भी हैं, स्किल्स वीरेंद्र सहवाग में भी हैं, स्किल्स आपकी सचिन तेंदुलकर में भी हैं, तो ये एलिगेंट हो सकते हैं, लेकिन स्किल्स हरभजन सिंह में भी है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जो बॉलिंग स्टाइल हो वो एलिगेंट हो. तो स्किल्स का नॉर्मली संबंध एलिगेंस से नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर. अब दो बचे इसमें डिफरेंट फ्रॉम. डेफिनेटली यदि किसी व्यक्ति में स्किल्स हैं तो डेफिनेटली वो आपसे अलग होगा, लेकिन अलग होने के अलावा वो आपसे बेटर भी होगा. तो ये आपको समझना है. और बेटर यदि कोई व्यक्ति आपसे है तो वो डेफिनेटली आपसे सुपीरियर है. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुपीरियर टू, मतलब थोड़ा सा वो आपसे बेटर है, वो आपसे अच्छा है. तो यहाँ पर इसका जो अकट अबव द रेस्ट का मतलब होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेटर है. ठीक है, बेटर देन अदर पीपल और थिंग्स, ये इसका यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. और थोड़ा सा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ हिज बुक्स आर गुड बट दिस वन इज ए कट अबव द रेस्ट. कट अबव भी बोलते हैं, कट अबव द रेस्ट भी बोलते हैं, मतलब रेस्ट का मतलब है बाकी बची हुई चीज़ों से या बाकी बचे हुए लोगों से अच्छा होना या ज़्यादा सुपीरियर होना. और सुपीरियर के बाद हम टू वर्ड का प्रयोग करते हैं. शी इज़ ए कट अबव द अदर कंपटीटर एंड शुड विन ईजीली, मतलब वो दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, इसलिए वो आसानी से इस मैच को जीत जाएगी. तो कट अबव द रेस्ट का मतलब होगा यहाँ पर सुपीरियर, सुपीरियर टू, यानी सेकेंड यहाँ पर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा. चलिए हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ. हमारा ऑनलाइन टारगेट बैच इस समय चल रहा है इन एग्ज़ाम्स के लिए. SSC CHSL के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, SSC CGL 2018 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, IBPS क्लर्क सारे सब्जेक्ट का इंडिविजुअली या इंग्लिश के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बैंक PO के लिए भी इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये हमारी वेबसाइट है www.bankerspoint.org. इस वेबसाइट पर जाके इन कोर्सेज के लिए आप प्रोफेशनल गाइडेंस आप ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए. इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और मैं तुरंत उसका जवाब आपको दूंगा. चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो द आउटकम ऑफ द डिबेट, काइंडली कीप मी इन द लू. ठीक है, तो आउटकम का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट, परिणाम. और यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट की, कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि इस डिबेट का रिजल्ट क्या आएगा, इस चीज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे लूप में रखिए. आप देखिए यहाँ पर यदि आप सेंटेंस पढ़ें और इसका सेंस निकालें, तो इसका सिंपल सा सेंस यही निकलेगा कि वो व्यक्ति चाहता है कि उसको इस डिबेट का क्या रिजल्ट निकल रहा है या इस डिबेट के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी जानकारी उसको हो. ठीक है, इसको हम कीप मी पोस्टेड भी बोलते हैं. कीप मी इन द लूप को कीप मी पोस्टेड भी बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कीप मी पोस्टेड मतलब कीप मी अपडेटेड, या कीप मी ब्रीफ्ड भी बोलते हैं इसको हम. तो कीप मी इन द लूप का क्या मतलब होगा? कीप मी इन द लूप का मतलब होगा इसमें इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट्स. ठीक है, ये फोर इसका सही आंसर इसमें, कीप मी इन्फॉर्म्ड. चूंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, कीप मी अपडेटेड, कीप मी इन्फॉर्म्ड या कीप मी पोस्टेड. तो इसलिए यहाँ पर ये कीप के बाद, चूँकि कीप के बाद यहाँ पर आपको वर्ड लगाना है, इसलिए यहाँ पर इन्फॉर्म्ड वर्ड का यूज़ इसमें हुआ है. कीप मी इन्फॉर्म्ड, कीप मी पोस्टेड, कीप मी बिजी, कीप मी अपडेटेड, इन सभी का मतलब एक ही है.
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर. कीप मी इन द लूप इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विच मीन्स टू कीप द स्पीकर अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग. ये कीप मी इन द लूप का मतलब है. और आई लीव फॉर ए बिजनेस ट्रिप टुमारो, माई मैनेजर टोल्ड मी टू कीप हिम इन द लूप इफ एनी प्रॉब्लम्स और चेंजेस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रिप. कीप मी पोस्टेड, कीप मी ब्रीफ्ड. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है. कीप मी इन द लूप ये कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत यूज़ होता है, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत यूज़ होता है. जब आप मेल करते हैं किसी व्यक्ति को तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड. देखिए, कैलकुलेटिव का क्या मतलब है? कैलकुलेटिव का यदि शुद्ध हिंदी देखी जाए तो इसका मतलब होता है चालबाज व्यक्ति, जो चालें चलता है, ठीक है, या चालाक या धूर्त व्यक्ति के लिए भी इसका यूज़ होता है. और जो धूर्त व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा मतलबी और सेल्फिश होता है. तो इसलिए डेफिनेटली इस इडियम का जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा कि सेल्फिश होना. लेकिन सेल्फिश का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. तो क्वेश्चंस हमेशा इस तरह के आते हैं कि ऑप्शंस हमेशा इस तरह के उसमें एग्ज़ाम में आते हैं कि उससे मिलता जुलता वर्ड वहाँ पर दिया जाता है. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा, मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट, उसका कोई मतलब होना. और इसको हम बोलते हैं हैज़ ए सेल्फिश इंटरेस्ट. तो यहाँ पर सेल्फिश इंटरेस्ट ना देके ऑप्शन में ये दिया हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा. एजेंडा मतलब कोई मतलब या कोई प्रोग्राम, और प्राइवेट मतलब खुद का. तो यहाँ पर थर्ड आपका जो होगा वो सही आंसर होगा. अपना उल्लू सीधा करना भी इसको हम बोलते हैं हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, अपना मतलब निकालना या अपना उल्लू सीधा करना. तो ये सभी इसके मतलब होते हैं हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड. और यहाँ पर थर्ड आपका जो होगा वो सही आंसर आपका होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक. मतलब पुलिस ने सब जगह उसको ढूंढा लेकिन उनको ब्लैंक हाथ लगा. ब्लैंक हाथ लगा मतलब खाली हाथ वो वापस आ गया. इसका सिंपल सा मतलब है कि डिड नॉट फाइंड हिम, वो उसको ढूंढ नहीं पाए. देखिए, पुट हिम इन प्रिजन का मतलब तो ये है कि उसको जेल में डाल देना, लेकिन जेल में डालने की बात तो तब आएगी जब पहले हम उसको ढूंढेंगे या अरेस्ट करेंगे. तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. अरेस्ट का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. अरेस्ट का ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बट लगा हुआ है. ठीक है, तो बट का मतलब ये है. अब देखिए, यहाँ पर ये बट इससे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि पुलिस ने उसको सब जगह देखा लेकिन. अब यदि मैं इसको ऐसे बोलूँ कि पुलिस ने उसको सब जगह देखा लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा. मतलब ये लुक्ड जो वर्ड है ये बट के साथ नहीं जाएगा. बट का मतलब है कि यहाँ पर लुक का कॉन्ट्रास्टिंग एक वर्ड चाहिए. मतलब उसको ढूंढा लेकिन सफलता नहीं मिली, इसका मतलब हुआ डिड नॉट फाइंड हिम. तो ये इसका सही आंसर यहाँ पर होगा. और एक टुक हिम टू कोर्ट, टुक हिम टू कोर्ट का भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले हम अरेस्ट करेंगे उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएंगे. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा. और बर्न आउट बाय चेज, बर्न आउट बाय चेज का मतलब है कि उसका पीछा करते करते थक जाना, बहुत बुरी तरीके से थक जाना. तो इसलिए ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा. फर्स्ट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा. यदि इंग्लिश की रीडिंग आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, हिंदू की या टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर एक सेंस क्रिएट हो जाएगा और सेंटेंस को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकल रहा है. तो इसलिए आपको डेफिनेटली रीडिंग करनी चाहिए अच्छे न्यूज़पेपर्स की. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द इशू ऑफ मैरिज. सरिता पुट हर फुट डाउन. तो मैरिज की जब बात हुई तो सरिता ने क्या किया यहाँ पर ये बताना है. स्टूड अप मतलब वो खड़ी हो गई. वॉज फर्म मतलब वो एकदम से मेंटली बहुत मजबूत थी. गॉट डाउन मतलब बैठ गई. वॉकड फास्ट तेज़ी से निकल के चली गई या रन अवे या वहाँ से दूर चली गई. देखिए, पुट इफ़ समबडी पुट हिज फुट डाउन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी इशू पर या किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मेंटली फर्म होना. ठीक है, डाउटफुल सिचुएशन में नहीं होना बल्कि फर्म सिचुएशन में होना, एक मजबूत स्थिति में होना और ये ठान लेना कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है. तो पुट अवर फुट डाउन का मतलब होता है कि अपना पैर रख देना और ठान लेना कि इस काम को या तो करना है या नहीं कर लेना. डिटरमिंड होना, और डिटरमिंड होने को हम बोलते हैं फर्म होना. तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड, वॉज फर्म. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प हिम मेक ए किलिंग इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में,
और इन्वेस्टमेंट जो टर्म है इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें नॉर्मली नुकसान नहीं होता, उसमें अच्छा पैसा बनता है। तो मेक ए किलिंग जो है एक इडियम है, उसका मतलब होता है कि किसी भी काम में बहुत ज़्यादा पैसा जल्दी से कमाना, या बहुत ज़्यादा लकी हो जाना, या किसी काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना। कई मीनिंग इसके निकलते हैं। इसका मीनिंग केवल ये नहीं है कि मेक मनी क्विकली, हालांकि इसका जो आंसर होगा यहाँ पर मेक मनी क्विकली होगा, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट निकलेगा वो पैसा बनने के फॉर्म में निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मेक मनी क्विकली इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसके कई और मीनिंग होते हैं। जैसे बी सक्सेसफुल आप देख सकते हैं, या बी लकी, या मेक ए लार्ज प्रॉफिट देख सकते हैं आप यहाँ पे, मेक ए फॉर्चून, मेक ए गेन, ठीक है। ये सारे मीनिंग इसके होते हैं, मेक ए लार्ज प्रॉफिट, तो ये इसके सारे मीनिंग निकलते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस मिलना भी उसको हम मेक ए किलिंग बोलते हैं, और किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना या लकी होना उसको भी हम मेक ए किलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा मेक मनी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टी, मतलब कंट्री डिफिकल्टी में है इस बात से इनकार इनकार नहीं किया जा सकता। देयर इज नो गेन सेइंग का मतलब है कि देयर इज नो डाउट और देयर इज नो डिनाइंग, मतलब इस चीज़ से हम मना नहीं कर सकते कि ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डिनाइंग, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग एज द ट्रुथ, किसी चीज़ को सही मानने से इनकार कर देना। टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग एज द ट्रुथ, तो इसका मतलब होगा देर इज़ नो गेन सेइंग का मतलब होगा देर इज़ नो डिनाइंग, मतलब इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता, इस फैक्ट से नकारा नहीं जा सकता, इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कंट्री डिफ़िकल्टीज में है। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के IBPS क्लर्क के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस मैं लूँगा स्पॉटिंग एरर के, और जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं लूँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के सारे वीडियोज़ आप देखें, डेफिनेटली आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को ज़रूर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल के सारे वीडियोस आप रेगुलरली देखें, एसएससी के लिए और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारी दो वेबसाइट्स हैं, इनसे आप टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। एक MyEA क्लासेस है, यहाँ से आप सारी टेस्ट सीरीज़ केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं 1 साल के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर सेट आपको मिलेंगे, जैसे 20 का सेट मिलेगा, या 30 का सेट मिलेगा, या 40 का सेट मिलेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यदि 100 के आसपास आपको टेस्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, test.englishadvantage.in। यहाँ से आपका जो प्राइस रहेगा वो 399 रहेगा, और यहाँ से जो प्राइस रहेगा MyEA क्लासेस से वो आपका 99 रुपीज़ रहेगा। तो किसी भी साइट से जाके आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ 1 साल के लिए ले सकते हैं और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, इसको आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस के बारे में आइडिया हो। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी भी दिया है, इसके थ्रू आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। शिट, प्राइस में आप साइट से आप ले सकते हैं। और
यार।